तो आज के सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। मॉडर्न फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है भाई, अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने के चांस हैं वो ज्यादातर चांसेस यही है कि न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होता है, तो इन्हीं चीजों को थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे और क्या क्वेश्चन बनता है वो भी यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि वो चीजें आपको जरूर पढ़ के जानी। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आपको एक बेसिक पॉइंट ये समझना है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ सारी की सारी बातें जो होंगी वो नाभिक के बारे में होंगी। ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल क्या होता है, यहां से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है आपके पेपर में। नाभिकीय बल, पहली बात तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूल बल है यानी कि फंडामेंटल फोर्स होता है। ठीक है, अगर चार प्रकार के मूल बल होते हैं, आपको हमने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो चार प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, वो है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे मजबूत होता है, पहली बात। दूसरा, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं काम करता, ये बहुत ही कम रेंज में काम करता है। वो रेंज कितनी है भाई, सिर्फ और सिर्फ नाभिक के अंदर। जितना बड़ा न्यूक्लियस है बस उतनी ही दूरी में ये काम करता है। अगर आप न्यूक्लियस के बाहर चले गए, नाभिक से बाहर चले गए, तो ये बल काम करना बंद कर देगा। ठीक है भाई, अच्छा तो सर ये दूरी कितनी होती है, तो आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि ये दूरी होती है 1 फर्मी। 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, -15 मीटर। ये आपकी वैल्यू है इसकी, इतनी दूरी तक ये काम करता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इसके बाद ये ना ही सेंट्रल फोर्स है और ना ही कंजर्वेटिव है। सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये केंद्र के बीच नहीं लगता। ठीक है, ये अपना पार्टिकल के बीच लगता है, केंद्र इसका कोई नहीं होता, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता। और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो ये कंजर्वेटिव आपका नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपको दो चीजें सिंपल सी याद रखनी कि यहाँ पर ना ही ये केंद्रीय बल है और ना ही संरक्षी बल है, दोनों ही नहीं है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यहां से एक छोटू सा क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है, ध्यान से समझेंगे भाई। देखो, आपको पता है नाभिक के अंदर दो पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और दोनों एक दूसरे से बहुत टाइटली बंधे हुए होते हैं। जैसे ये नाभिक है, तो इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, किस बल से, नाभिकीय बल से, है ना, जो अभी अभी पढ़ के आए हम लोग। तो नाभिकीय बल से अब ये बंधे हुए हैं। अब मान लो, अरे नोट ना करो भैया, आप नोट मत करो, आपको एटेटिस ये लिखा लिखाया मिल जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी और जो इसमें लिखा हुआ है वो भी, आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई कि बंधन ऊर्जा की जब हमने बात करी, तो बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है, किसी भी नाभिक में आप देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये चुपचाप एक दूसरे से बंधे रखे हुए हैं, किस बल के कारण, नाभिकीय बल की वजह से। अब न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये बंधे तो हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन निकाल लूं। अब ना न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से बंधे रहते हैं। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए आपको जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, वही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी नाभिक को तोड़कर उससे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको बाहर से जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, वही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है।
बस इतना सा पॉइंट है आपका, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं, तो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आता है, उसका फॉर्मूला निकल के आता है अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है, एनर्जी ऑफ बाइंडिंग यानी कि बंधन ऊर्जा इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन इंटू सी स्क्वायर। ये है मास डिफेक्ट जिसको हम लोग डेल्टा एम बोलते हैं, ठीक। इसमें आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाननी है कि मास डिफेक्ट क्या होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में नहीं जाना है कि किसका मास कैसा है, डिफेक्ट कहाँ से आया, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी, बस इतना सा फॉर्मूला एक बार पढ़ लेना, ये वाला शायद पूछ लिया जाए। नहीं तो आपसे ये पूछा जाता है बंधन ऊर्जा होती क्या है, तो सीधा सा आंसर है कि बंधन ऊर्जा वो एनर्जी है जो किसी नाभिक को तोड़कर एक पार्टिकल निकालने के लिए जरूरी होती है, वही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है, बस इतना सा, ठीक है भाई। अच्छा अब बात करते हैं इससे आगे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई। तो रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता। तो आखिरकार ये रेडियो एक्टिविटी है क्या, तो सुनो पहला पॉइंट जो आपके पेपर में आता है कि रेडियो एक्टिविटी के जनक यानी कि रेडियो एक्टिविटी के जो खोजकर्ता है डिस्कवरर है वो कौन है। तो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है वो करी थी हेनरी बेकुरल ने। मैडम क्यूरी मार मत ले लेना भाई, ठीक है ओके। इन्होंने इसकी खोज करी थी। मैडम क्यूरी ने क्या किया था वो आगे बताएंगे। हेनरी बेकुरल सर क्या कर रहे थे, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके पास एक जादुई पत्थर था। अब उस पत्थर के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था, वो पत्थर चुपचाप रखा हुआ था। किसका था वो, बस ये पता था उनको कि ये यूरेनियम का ओर था, यूरेनियम का खनिज था। ठीक है भाई। अच्छा अब इस पत्थर के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था, चुपचाप रखा हुआ था। अब वो कुछ दिन के लिए लैब को बंद करके कहीं चले गए। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि इस पत्थर के पास एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं ना पहले जमाने में फोटो जब क्लिक की जाती थी तो उसमें एक रील आती थी, है ना, और या फिर एक्सरे आप कराने जाते हो तो उसमें जो प्लेट में आपका एक्सरे निकल के आता है जिसमें, वो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी, उस पर देखा इन्होंने कि कुछ इमेज बन गई है। अब वो हैरान कि ये इमेज बनी कैसे, मेरी लैब तो बंद थी। उन्होंने काफी चीजों को देखा, फिर इस पत्थर को देखा, फिर उन्होंने देखा इस पत्थर के ही आकार का कुछ ना कुछ यहाँ पे बन रहा है ना। तो वहां से इन्होंने इसको स्टडी करना चालू किया। जब इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये जो है यूरेनियम, ये एक हैवी न्यूक्लियस है, मतलब भारी नाभिक है, और ये भारी नाभिक क्या है, स्टेबल नहीं है यानी कि स्थिर नहीं है, ये अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास कर रहा है। कैसे, अपने नाभिक को छोटा करके। और नाभिक को कैसे छोटा करेगा, नाभिक के अंदर के पार्टिकल निकालेगा तभी तो छोटा होगा नाभिक। तो ये काम उसने किया और वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बन गई उस जो पार्टिकल उसने निकाल के फेंके उसकी वजह से। अच्छा भाई यहां से एनर्जी भी निकली, पार्टिकल भी निकले, और इसे ही क्या कहा गया, रेडिएशन कहा गया, इसे ही रेडिएशन कहा गया। अच्छा भाई तो रेडिएशन कहा गया और इस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा गया यानी कि रेडियो सक्रियता कहा गया। तो हेनरी बेकुरल से ये पूछा गया, क्या सर सिर्फ यूरेनियम ही रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। तो हेनरी बेकुरल ने कहा नहीं, एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास जितने भी तत्व हैं, आपको पता है कि 118 प्रकार के तत्व हैं हमारे पास, उनमें से जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 82, 82 किसकी होती है भाई, लेड की, लेड से ज्यादा है, वो सारे के सारे क्या है, अनस्टेबल है यानी कि अस्थिर है।
वो सारे के सारे अस्थिर हैं, अनस्टेबल हैं, और वो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए उनका परमाणु क्रमांक कितना हो जाना चाहिए? 82 या उससे कम। तो वो स्टेबल होने के लिए अपने पार्टिकल को यानी कि नाभिक को छोटा करते हैं, साथ में एनर्जी निकालते हैं, पार्टिकल भी निकालते हैं, और इसी फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो जितने भी एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, मतलब रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन से होते हैं, तो सीधा सा आंसर है जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर होता है वो सारे होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ये तो आपको हिंदी में अवेलेबल है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आती है मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज करी। कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किन्होंने करी? इनके हस्बैंड और इन्होंने मिलकर करी। कौन कौन से थे वो तत्व? उनमें सबसे पहला आपका आता है रेडियम। रेडियम की खोज इन्होंने करी। उसके बाद मैडम क्यूरी ने थोरियम की खोज करी, पोलोनियम की खोज करी। इस तरह के पार्टिकल खोजे हैं। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता का जो फिनोमिना है वो हेनरी बैकुरल, और रेडियो सक्रिय तत्व कई सारे वो मैडम क्यूरी ने खोजे, इसी वजह से इनको नोबेल दिया गया था। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है एक बढ़िया सा कि ये बताइए सर, आपने कहा रेडिएशन निकलता है, ठीक है, अच्छी बात, मान गए, मैडम क्यूरी ने पार्टिकल भी खोज दिए, लेकिन ये रेडिएशन किस रूप में निकलता है ये तो बताइए। तो फिर उसको बताने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है भाई, रदरफोर्ड सर आए। रदरफोर्ड सर ने कहा देखो कि जब कभी भी कोई रेडियो सक्रिय तत्व से रेडिएशन निकलता है तो वो तीन पार्टिकल के रूप में निकलता है। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पार्टिकल के रूप में, बीटा पार्टिकल के रूप में और गामा पार्टिकल के रूप में, इस तरह से वो निकलता है। कहते हैं ठीक है भाई, अब अल्फा बीटा गामा के रूप में अगर निकल रहा है तो अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज बताइए कैसी हैं, क्या क्या उनमें प्रॉपर्टीज हैं, बस वही आपको पढ़नी है, वही आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है भाई, तो यहां तक पहले बताओ सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या या कोई डाउट हो तो पूछो भाई। किसी को यहां तक कुछ भी पूछना है? ओके, आगे बढ़े। अच्छा, अब रदरफोर्ड सर ने कहा ठीक है, हम अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा कणों के बारे में बात करते हैं। जब देखा गया, रदरफोर्ड ने देखा कि मान लो आपके पास कोई हैवी न्यूक्लियस है, जेड एक्स से कोई एक हैवी न्यूक्लियस है जो कि रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। उन्होंने कहा जब इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल इससे जब निकाला जाता है तो इसमें परिवर्तन क्या आता है? इसमें चेंज आता है कि एक नया तत्व मिलता है, पहली बात। ऊपर परमाणु भार में, एटॉमिक मास में चार की कमी हो जाती है, चार की कमी, और नीचे परमाणु क्रमांक में, एटॉमिक नंबर में दो की कमी हो जाती है। अच्छा भाई, अब आपको पता है कि रिएक्शन में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, है ना, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए चार कम हो गया है तो इसका मतलब है यहाँ पे चार आपको रखना पड़ेगा क्योंकि तो टोटल में कोई बदलाव नहीं ला सकते आप, है ना। अच्छा, नीचे दो कम हुआ है तो यहाँ पर भी टू लाना पड़ेगा। अब आपको याद आ रहा होगा टू और फोर किसका होता है भाई? हीलियम का होता है, 2H4 हीलियम लिखते हैं ना हम लोग इस तरह से, और साथ में एनर्जी। तो आपने क्या देखा कि जब कभी भी किसी तत्व से अल्फा पार्टिकल निकलता है या अल्फा रेडिएशन निकलता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास चार कम हो जाता है, परमाणु क्रमांक दो कम हो जाता है, और साथ में हीलियम का पार्टिकल आपको मिलता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम ही तो है जो आपको मिले हैं।
हीलियम के नाभिक होते हैं जो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर निकलते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास यूरेनियम 238 है, 92। अब आपने कहा कि सर इससे हम दो अल्फा पार्टिकल निकालते हैं, तो अगर आप इससे दो अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो कोई नया एलिमेंट बनेगा, हमें नहीं पता क्या बन रहा है, तो ऊपर कितने की कमी हो जाएगी, एक अल्फा में ऊपर चार कम होते हैं तो दो अल्फा में आठ कम हो जाएंगे, और नीचे एक अल्फा में दो की कमी आती है तो दो अल्फा में चार की कमी हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपके दो हीलियम के नाभिक मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि दो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले हैं, बस सिंपल सी बात है भाई। ओके, ये लॉजिक आपको यहाँ पे दिमाग में लेके चलना है भाई, बढ़िया सा। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो अब अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल धनावेशित होते हैं, पहला पॉइंट तो ये। क्यों धनावेशित होते हैं भाई? क्योंकि हमने देखा कि ये हीलियम के नाभिक हैं, इस वजह से धनावेशित होंगे। अच्छा, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम के एटम होते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके, आपने अभी अभी देखा भी कहाँ से आया, ठीक है, तो ये हीलियम के नाभिक होते हैं। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी, अल्फा पार्टिकल भारी कण होते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम एक भारी कण है, ठीक है भाई, हैवी पार्टिकल है, इस वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यही आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता कैसी है भाई? न्यूनतम है, मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? क्योंकि ये हैवी पार्टिकल है, ये हैवी पार्टिकल है, भारी कण है, इस वजह से किसी चीज के आर पार नहीं जा पाते। एक हल्का सा पेपर भी रख दोगे तो ये उसी में रुक जाएंगे, उसके आर पार नहीं जा सकते। अच्छा भाई, लेकिन अब भगवान ने एक चीज की कमी दी है तो एक चीज तो बढ़िया देगा ही, क्या दिया है इसको? आयोनाइजेशन पावर, यानी कि आयनीकरण की जो क्षमता है वो इसकी क्या है? मैक्सिमम है। यानी कि ये जिस चीज से टकराता है उस चीज को आयोनाइज कर देता है, आयन के फॉर्म में तोड़ देता है। आपकी बॉडी से अगर इसको गुजारा जाए तो आपकी बॉडी के पार्टिकल को आयन के फॉर्म में तोड़ देगा ये, है ना, इसलिए आपके बड़े खतरनाक होता है, ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा भी बहुत कम होती है, यानी कि जो एनर्जी है वो कैसी होती है भाई? लेस, यानी कि बहुत कम होती है। इस वजह से ये जैसे ही निकलते हैं पार्टिकल से और निकल के ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाते। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस बहुत तेजी से होता है, तो ये ज्यादा दूर जा भी नहीं पाते, तो ये ज्यादा दूरी भी नहीं तय कर पाते। ओके भाई, ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ही चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जा पाते। अच्छा भाई, इसके बाद अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी है? 10^7 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अल्फा पार्टिकल चलते हैं और ज्यादा दूर नहीं जा पाते। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल जिस गैस से गुजारे जाते, मान लो आपने एक चैम्बर लिया और उसमें आपने गैस भर दी, इसमें गैस भरी हुई है, अब इससे आपने अल्फा पार्टिकल गुजारा, तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही इस गैस से गुजरेगा तो गैस को भी आयोनाइज कर देगा, गैस को भी आयोनाइज कर देता है, यानी कि आयन के फॉर्म में तोड़ देता है। तो ये अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। इसके बाद लास्ट में आपका बचता है कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, जैसे कि आपने पीछे देखा था ना यूरेनियम में कि फोटोग्राफिक प्लेट रखी बगल में तो उस पर इमेज बन गई थी, तो अल्फा पार्टिकल जब निकलेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज जरूर बनाएंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लोरेसेंट मटेरियल पे फ्लोरेसेंस देते हैं, मतलब कि अगर ये कोई ऐसी मटेरियल पे पड़ते हैं जो जिन पे पड़ते वो मटेरियल क्या करने लगते हैं? जलने लगते हैं, मतलब लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे मटेरियल पे अल्फा पार्टिकल अगर डालो तो वो वहां पे लाइट आपको देंगे, ठीक है, तो फ्लोरेसेंस मटेरियल में ये फ्लोरेसेंस भी देते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अल्फा पार्टिकल में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखी, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनावेशित होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं,
तो हीलियम भारी कण है, तो ये भी भारी कण होते हैं। इनकी भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है, किसी चीज के आर पार नहीं जा पाते, लेकिन आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा है। ये आपकी बॉडी से अगर टकराएंगे तो आपकी बॉडी के पार्टिकल को आयन में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे आपके लिए खतरनाक है। एनर्जी का लॉस बहुत तेजी से होता है, इस वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। फिर इनकी स्पीड 10^7 मीटर पर सेकेंड होती है, और जिस गैस से गुजरते हैं उस गैस को आयोनाइज कर देते हैं, आयन के फॉर्म में तोड़ देते हैं। ये फोटोग्राफी प्लेट को अफेक्ट करते हैं और फ्लोरेसेंट मटेरियल पे पढ़ने पर फ्लोरेसेंस देते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। बस इतना सा आपको पढ़ना है। हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं, आप घर पे इसको पढ़ सकते हैं आराम से। अच्छा भाई, अब आते हैं अगला, सेकेंड रे है आपकी बीटा रेस, बीटा किरण। अब मान लो रेडिएशन के रूप में बीटा किरणें निकल रही हैं, तो क्या होगा भाई? तो सिंपल सा एक पॉइंट है, मान लो आपके पास कोई एटम है जेड एक्स से, अब उससे आपने कहा कि सर हम एक बीटा रेडिएशन निकाल रहे हैं, तो जब बीटा निकलता है तो क्या चेंज होता है? चेंज ये होता है कि ऊपर कोई चेंज नहीं होता, ए है तो ए ही रहेगा, लेकिन नीचे एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है। तो अब इसको कवर करने के लिए ऊपर तो जीरो रखना है क्योंकि ए है, ए ही है, नीचे -1 रखना है, तभी तो +1 -1 बन के जेड देंगे। अच्छा, तो ये -1 और जीरो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया कि बीटा किरणें क्या है, नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बहुत ज्यादा हल्के पार्टिकल होते हैं और ये बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नाभिक से निकलते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, जैसे मान लो आपको पास दिया गया 80 और ये 32, ऐसे कोई एलिमेंट दे दिया गया, हमने कहा मैंने इससे 3 बीटा पार्टिकल निकाले, तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको कवर करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, नाभिक के अंदर कैसे पहुंच गए, है ना? तो आइए उसको समझते हैं। देखो भाई, नाभिक जो होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन टूटता है नाभिक के अंदर ही, न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो वो एक प्रोटॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, प्रोटॉन तो अंदर ही रह जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेजी से बीटा किरणों के रूप में नाभिक से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसे ही बीटा रेडिएशन कहा जाता है। तो बीटा रेडिएशन क्या है? हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के अंदर से निकलते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य है, नेग्लेक्जिबल, इसका द्रव्यमान हम लोग नहीं मानते, नेग्लेक्जिबल है, लेकिन इसका जो आवेश है वो निगेटिव है, तो बीटा पार्टिकल भी कैसे हो गए? निगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो निगेटिव है, तो मतलब बीटा किरणें भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, बस आपको ये पॉइंट याद रखना। अच्छा भाई, अब फिर से वही क्वेश्चन, पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता। भाई बीटा की जो भेदन क्षमता है वो अल्फा से ज्यादा होती है, अल्फा से ज्यादा होती है यानी कि मोर देन अल्फा, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है पेनिट्रेटिंग पावर। लेकिन आयोनाइजेशन पावर, आयनीकरण की क्षमता की अगर बात करें तो वो अल्फा से कम होती है, लेस देन। ये हल्की चीजों के आर पार गुजर जाते हैं, जैसे आप छोटा सा पेपर ले ले या छोटी सी कोई सीट ले ले तो ये उसके आर पार आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तेजी से निकल जाते हैं। ये भी आयोनाइज करते हैं लेकिन अल्फा के जितना नहीं, अल्फा से थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद इनकी स्पीड कितनी होती है? ये पार्टिकल चलते हैं 10^8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। इनकी स्पीड भी अल्फा से ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, हल्के पार्टिकल है, इसलिए ज्यादा तेज चलते हैं। ये जिस गैस से गुजरते हैं उस गैस को भी आयोनाइज कर देते हैं, जैसे कि अल्फा करते थे वही काम ये भी करते हैं। अच्छा भाई ये हो गया, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर फोटोग्राफिक प्लेट रास्ते में है और उस पर बीटा पार्टिकल डाले जाए तो उसमें क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं बीटा पार्टिकल भी, बस आपको इतना सा पढ़ना है। तो बीटा पार्टिकल में हमने क्या क्या सीखा कि बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के अंदर से निकलते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, मास नेग्लिजिबल होता है, इनकी भेदन क्षमता अल्फा से ज्यादा है लेकिन आयोनाइजेशन पावर अल्फा से कम होती है। अच्छा भाई स्पीड 10^8 मीटर पर सेकंड है, जिस गैस से गुजरते हैं उसको आयोनाइज कर देते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। नोट्स आपको हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है भाई इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है थर्ड टाइप वेव, जिसे बोलते हैं गामा रेस, गामा किरणें। अब गामा किरणों में क्या होता है भाई, ध्यान से समझना। पहली बात, गामा किरणों में नाभिक में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे मान लो आपके पास जेड एक्से है और आपने कहा कि उससे गामा किरणें निकल रही हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, एनर्जी स्टेट चेंज हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, एनर्जी स्टेट, मतलब ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा बस। और कुछ नहीं, ये क्या कहता है, ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मतलब गामा पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, ईएम वेव है। ईएम वेव का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये। अच्छा भाई ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी नाभिक के ऊर्जा के लेवल को कम कर देती हैं बस, और कुछ नहीं करती। अच्छा इनकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि जो भेदन क्षमता है, वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम। और इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है, आयनीकरण की क्षमता है, वो न्यूनतम होती है भाई, मिनिमम। ये आयोनाइज बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये बहुत सारी चीजों के आर पार निकल जाते हैं। आप लेड की एक मोटी सी दीवार बनाइए और उस पर गामा डालिए, गामा उसके भी आर पार निकल जाएगा। तो भेदन क्षमता इनकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है भाई। इनकी ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है, हाई एनर्जी की वेव होती है, एनर्जी भी इनकी मैक्सिमम होती है, अधिकतम ऊर्जा होती है। इसी वजह से बहुत ज्यादा चीजों के आर पार निकल भी जाते हैं, और इनका जो स्पीड होता है वो लाइट का स्पीड होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल से चलते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी अफेक्ट करते हैं और फ्लोरेसेंट मटेरियल पे फ्लोरेसेंस देते हैं, ये भी काम इनके द्वारा होता है, ठीक है। तो गामा किरणों में क्या सीखा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये सिर्फ नाभिक के ऊर्जा स्तर को बदलती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, लेड की मोटी सी दीवार के आर पार निकल जाएगी, आयोनाइजेशन पावर बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर, क्योंकि ये किसी को आयोनाइज नहीं करती, और फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं और फ्लोरेसेंस देती हैं। तो अब आपसे यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेदन क्षमता के आधार पर अल्फा बीटा गामा को जरा ऑर्डर में लगाइए। तो भेदन क्षमता गामा की सबसे ज्यादा है, बीटा की उससे कम है, अल्फा की सबसे कम है। लेकिन अगर आयोनाइजेशन के आधार पर पूछा जाए तो क्या होगा, गामा बीटा अल्फा, तो क्या हो जाएगा भाई, गामा की सबसे कम, बीटा की उससे कम, अल्फा की सबसे ज्यादा, ठीक है। बस इतना सा पॉइंट आपको पढ़ लेना, तो अल्फा बीटा गामा में बस इतना सा ही आपके पेपर में पूछा जाता है। तो बोलो भाई तीनों की प्रॉपर्टीज क्लियर है सभी को?
किसी को कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई। किसी को कुछ पूछना है, अल्फा बीटा गामा में बस इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी इसको एक बार घर पे पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिए। अच्छा अब देखो, जब मान लो आपके पास एक मटेरियल है रेडियो एक्टिव, जिससे अल्फा बीटा गामा तीनों रेडिएशन निकल रहा है, सामने हमने फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, एक निगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट, तो हमने क्या देखा कि उससे जब तीनों प्रकार के रेडिएशन निकल रहे हैं तो अल्फा किरणें किधर जा रही हैं, निगेटिव प्लेट की तरफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अल्फा किरणें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए तो निगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। बीटा किरणें निगेटिव चार्ज हैं, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है। और गामा किरणें कहीं भी नहीं जा रही, बिल्कुल सीधा जा रही है, क्यों? क्योंकि गामा किरणें खुद विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, तो वो किसी भी तरह की फील्ड में अफेक्ट नहीं होती, ये पॉइंट दिमाग में बैठा के चलिएगा, ठीक है, वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं होने वाली। अच्छा भाई अब यहाँ से एक ट्रिक क्वेश्चन आता है। ट्रिक क्वेश्चन क्या है? किसी भी रेडिएटिव मटेरियल से अल्फा बीटा गामा तीनों रेडिएशन निकल रहे हैं, किसी से सिर्फ अल्फा बीटा निकल रहा है, कहीं पर सिर्फ बीटा गामा निकल रहा है, कहीं पर सिर्फ अल्फा गामा निकल रहा है, या फिर किसी में सिर्फ अल्फा निकल रहा है, सिर्फ बीटा निकल रहा है, सिर्फ गामा निकल रहा है, तो इनमें से कौन सा रेडिएशन है जो नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ निकल रहे हैं, क्या ये नहीं हो सकता? अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकल सकते, बीटा गामा, अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा अलग अलग, तो कौन सा अकेले नहीं हो सकता, ये आपको बताना है भाई। बोलो भाई। दीपाली जी बहुत बढ़िया, कौन सा पॉसिबल नहीं है रेडिएशन, बिल्कुल सही सत्यवीर जी, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे हमेशा याद रखना भैया, अल्फा बीटा गामा निकल सकते हैं, अल्फा बीटा निकल सकता है, बीटा गामा, अल्फा गामा, अल्फा अकेला, बीटा अकेला, गामा अकेला नहीं निकल सकता। गामा रेडिएशन हमेशा पेयर में निकलता है, या तो वो अल्फा के साथ निकलेगा, या तो बीटा के साथ निकलेगा, या तो दोनों के साथ निकलेगा, अकेले गामा नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में बैठा के चलिएगा, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। अब आ जाते हैं भाई नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के पास, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। अभी तक हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते थे तो वहां पे केमिकल रिएक्शन पढ़ते थे, केमिकल रिएक्शन में सारा खेल कौन खेलता था, इलेक्ट्रॉन खेलते थे, लेकिन अब यहाँ पे खेल कौन खेलेगा, नाभिक, यानी कि नाभिक के अंदर क्या बदलाव होंगे वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो नाभिक के अंदर जो बदलाव होते हैं उसके आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, टू टाइप रिएक्शन होते हैं, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है भाई। ये नाभिकीय विखंडन में होता क्या, कुछ नहीं है, एक लाइन का आंसर है। आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस होगा, यानी कि भारी नाभिक, और वो भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन के मिलने से, एक न्यूट्रॉन, ध्यान से सुनना, एक न्यूट्रॉन जैसे ही उससे टकराता है तुरंत वो हल्के नाभिकों में टूटने लगता है, ठीक है भाई। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब ब्रेक होना। तो एक हैवी न्यूक्लियस का दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियस में, हल्के नाभिकों में टूटना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूरेनियम-235 है, अब आपने उसमें एक न्यूट्रॉन डाल दिया, एक न्यूट्रॉन, जैसे ही आपने उसमें एक न्यूट्रॉन डाला तुरंत वहां पे क्या हुआ, न्यूट्रॉन से टकराते ही वो हल्के नाभिकों में टूट गया, बेरिलियम और क्रिप्टन में टूट गया, बेरिलियम आपका 141 और क्रिप्टन 92, और साथ में उसने तीन नए न्यूट्रॉन भी आपको दिए और बहुत ज्यादा ऊर्जा,
और यही ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन में निकलती है, जो बहुत खतरनाक होती है। तो इस ऊर्जा को स्टोर करना भी काफी मुश्किल होता है, काफी एक्सपेरिमेंट करने पड़े तब जाके हमें इसको स्टोर करने का प्रोसेस पता चला। ठीक है भाई, तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि आपका एक भारी नाभिक हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिकों में टूटता है। कैसे टूटता है? एक न्यूट्रॉन से टकराने के कारण, और साथ में तीन नए न्यूट्रॉन भी बनाता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा भी देता है, और यही ऊर्जा हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है भाई, और कभी कभी नहीं भी कर पाते, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक, अच्छा, तो नाभिकीय विखंडन में आपने एक बात गौर करी कि जब यूरेनियम का एक नाभिक था, ध्यान से देखना भाई, इससे एक न्यूट्रॉन आके टकराया, तो एक न्यूट्रॉन टकराते ही ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया, और उसने क्या किए? उसने तीन नए न्यूट्रॉन बना दिए। क्या बना दिए भाई? तीन नए न्यूट्रॉन बना दिए। अब ये तीन नए न्यूट्रॉन जो हैं अगले एटम से टकराएंगे जाके, क्योंकि यूरेनियम का एटम तो हम लेते नहीं, मान लो इतना सा यूरेनियम आपको दिया तो इसमें तो लाखों एटम है, तो ये तीन नए न्यूट्रॉन अगले तीन यूरेनियम से टकराएंगे जाके। अब वो तीन यूरेनियम फिर से तीन न्यूट्रॉन बनाएंगे। अब ये तीन नए न्यूट्रॉन फिर से तीन यूरेनियम से टकराएंगे। अब ये तीन फिर से तीन नए न्यूट्रॉन बनाएंगे। ठीक है भाई, तो ये न्यूट्रॉन फिर से आगे जाके टकराएंगे, तो ये रिएक्शन क्या बन गई? ये बन गई चेन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन भाई? चेन रिएक्शन यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया। और ये श्रृंखला अभिक्रिया कब तक चलेगी? ये श्रृंखला अभिक्रिया तब तक चलेगी जब तक एक-एक यूरेनियम का एटम नहीं ब्रेक हो जाता। जब तक सारे यूरेनियम के एटम नहीं टूट जाएंगे तब तक ये श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी। अच्छा भाई, तो श्रृंखला अभिक्रिया को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन से दो कैटेगरी? पहला पहला है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन आपको कहां देखने को मिलती है, तो इसका भैया सिंपल सा एग्जांपल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें अमेरिका ने जापान के ऊपर क्या गिरा दिया था भाई? एटम बॉम्ब। ओके, एटम बॉम्ब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है परमाणु बम। ठीक है भाई, ओके, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होती है वो एटम बॉम्ब में होती है। एटम बॉम्ब में अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो वो तब तक नहीं आप रोक सकते जब तक एक एक यूरेनियम का एटम ब्लास्ट नहीं हो जाता, यानी कि ब्रेक नहीं हो जाता। तो यहां पर श्रृंखला अभिक्रिया आप रोक नहीं सकते, ये आपके बस में नहीं है। एक बार अभिक्रिया चालू तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरा का पूरा यूरेनियम टूट नहीं जाता, सारे एटम ये ब्रेक कर देगा। ठीक है भाई, अच्छा, दूसरा सेकेंड टाइप है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में पूछा जाए कि एग्जाम्पल क्या बनेगा, तो भाई नाभिकीय संयंत्र जितने भी हैं आपके, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स,
जितने भी नाभिकीय संयंत्र बनाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या कराते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराते हैं। जैसे आपके देश में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बहुत फेमस है, और भी कई सारे सेंटर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराते हैं। कंट्रोल्ड का मतलब इसमें जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होंगी विखंडन की, उसको हम जितना देर चाहें उतनी देर कराएंगे, और जब नहीं मन होगा तो रोक देंगे। ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। तो इसके लिए आपको काफी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, बस वही चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है भाई, तो चलो वही पढ़ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला, हम नाभिकीय रिएक्टर की बात कर रहे हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आता है कि ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन आता है, मॉडरेटर के रूप में आप क्या यूज करते हैं। मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं। पहला तो ईंधन पूछेगा, फिर मॉडरेटर, फिर पूछेगा कूलेंट के रूप में। कूलेंट यानी कि शीतलक के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं। और फिर लास्ट में आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो भाई इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहला फ्यूल, फ्यूल की अगर बात करें भैया, तो फ्यूल आप लोग जानते हो फ्यूल का मतलब क्या है, कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो नाभिकीय संयंत्रों में न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में आप यूज कर सकते हैं यूरियम-235 या फिर यूरेनियम-238। सबसे अच्छा 235 यूज किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये हो गया, ईंधन आ गया यानी कि इसमें अब अभिक्रिया चालू हो गई। अब आपको पता है कि न्यूट्रॉन टकराएंगे तो तुरंत चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी, और चेन रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। तो इतनी तेजी से रिएक्शन होगी तो एनर्जी बहुत तेजी से निकलेगी, तो हम तो उसको स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। हमें तो चाहिए धीरे धीरे एनर्जी निकले जिससे कि हम उसको स्टोर कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी होती है। तो न्यूट्रॉन की जो स्पीड है, चाल, उसको कम करना, ये किसका काम होता है भाई, ये काम होता है मॉडरेटर का, मंदक का। मंदक मतलब धीमा कर देना। तो ये न्यूट्रॉन की चाल को कम कर देते हैं। अब मंदक के रूप में आप यूज किसका करते हैं भाई, ये पूछा जाता है। तो मंदक के रूप में आप यूज करते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब हो गया भारी जल। भारी जल आपका होता है D2O। ठीक है, या फिर आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, भारी जल के साथ साथ, ओके, ग्रेफाइट। आप भारी जल के साथ साथ यहां पर ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये न्यूट्रॉन की स्पीड कम कर देते हैं, जिससे न्यूट्रॉन धीरे धीरे आगे जाता है और वहां से धीरे धीरे टकराता है, तो रिएक्शन स्लो चलती है। अच्छा भाई, इसके बाद आता है कूलेंट यानी कि शीतलक। अब आपको पता है कि जब एनर्जी निकलेगी तो वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको खराब कर देगी, क्योंकि वो गर्म हो जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। उससे बचने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए, तो हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको ठंडा रखने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं कूलेंट का। अब कूलेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में आप यूज करते हैं कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी यूज कर लेंगे, या फिर आप यूज कर सकते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन या ठंडे पानी का यूज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। या फिर आप ठंडी हवा भी दे सकते हैं, कूल एयर, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है कंट्रोलर। मान लो आज हमें जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी हमें मिल चुकी है, अब हमें इसको बंद करना है कि नहीं अब हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रॉन को आगे जाने से रोकना पड़ेगा, है ना भाई। तो न्यूट्रॉन को
कोई एब्जॉर्ब कर ले यानी कि अवशोषित कर ले। तो आप खुद सोचो कि अगर न्यूट्रॉन आगे जाएगा ही नहीं, यूरेनियम से टकराएगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूरेनियम अपने ब्रेक होगा ही नहीं। तो ये दिमाग लगाया गया कि न्यूट्रॉन को अगर आगे ना जाने दिया जाए तो ये अभिक्रिया रुक जाएगी। तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड का। और कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है भाई, या तो कैडमियम की या फिर बोरॉन की। तो कैडमियम या बोरॉन का रॉड यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से क्या हो जाती है भाई, रुक जाती है अभिक्रिया। यही चार चीजें आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं नाभिकीय संयंत्र से, ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से याद रखना। इसके बाद हो गया भाई इतना ही, चलो यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ भाई। यहां तक नाभिकीय विखंडन आपको पूरा क्लियर हो गया, किसी को कोई भी समस्या या कोई भी डाउट हो तो बताओ भाई। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार के होते हैं, श्रृंखला अभिक्रियाएं, एक होती है कंट्रोल्ड एक अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को जब चाहे तब रोक सकते हैं। अनकंट्रोल्ड में बिल्कुल हमारे बस में नहीं रहता, एक बार अभिक्रिया चालू तो परमानेंट चलती रहेगी जब तक एक एक यूरेनियम ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। बताओ भाई किसी को कोई डाउट या कुछ भी पूछना हो, यहां तक कुछ भी पूछना हो तो बताइए भैया, और अगर क्लियर है तो बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अच्छा तो यहां से एक छोटा सा पार्ट आपका और बचता है, वो समझ लेते हैं भाई। चलो यहां पे हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर नाभिकीय संलयन की बात की जाए तो ये विखंडन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिक, इसमें क्या होता है भाई, हल्के नाभिक यानी कि लाइट न्यूक्लियस मिलते हैं और हल्के नाभिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, भारी नाभिक यानी कि हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है भाई। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं भाई, यहां से रिएक्शन होती है, 1H3 फॉर्म होता है और उसके बाद यहां से बनता है हीलियम 2HE4 और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हल्के नाभिक छोटे कण मिलकर आपस में जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन जुड़ा है और हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम बनाता है, हीलियम का नाभिक तैयार करता है। अच्छा नाभिकीय संलयन में ये होता है। तो नाभिकीय संलयन के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि नाभिकीय संलयन देखने को कहाँ मिलता है, तो नाभिकीय संलयन आपको दुनिया के जितने भी स्टार्स हैं यानी कि जितने भी तारे हैं उन सब में नाभिकीय संलयन ही हो रहा है। जितने भी तारे हैं उनमें हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस आपस में जुड़ रही है और जुड़कर हीलियम का नाभिक बना रही है, ठीक है भाई। तो ये बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। देखो सूरज उतनी दूर है और इतनी दूर से हमारी पृथ्वी को इतना ज्यादा टेम्परेचर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है और करोड़ों सालों से दे रहा है, तो समझ रहे हो नाभिकीय संलयन में कितनी ऊर्जा निकलती है ना। और दूसरा है हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि संलयन में जो ऊर्जा निकलती है वो विखंडन से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है भाई, इसलिए हाइड्रोजन बम आपका ज्यादा खतरनाक होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या है, संलयन का मतलब जुड़ना, तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में बहुत ज्यादा ऊर्जा। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, स्टार्स में और हाइड्रोजन बम में। बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, बाकी आपसे कुछ नहीं यहाँ से पूछा जाएगा।
ठीक है, तो इतने पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना भाई, अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है भाई।